दोस्तों, कभी कभी हमें मीठा खाने का बहुत मन होता है, पर हम ये सोच के टाल देते हैं कि कहीं हमारा वजन ना बढ़ जाए या डायबिटीज ना हो जाए। तो इसलिए मैं आज एक ऐसा स्वीट डिश लेके आई हूँ जो शुगर फ्री, ऑयल फ्री है और आप बेझिझक जब चाहे तब खा सकते हैं, और इसके साथ साथ वो बहुत हेल्दी भी है। तो जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपश्री। रूपश्रीज रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं लापसी की बर्फी, जो बनाने में बहुत ही इजी है और ये सिर्फ चार इंग्रेडिएंट से बनती है, और ये चारों भी इंग्रेडिएंट्स हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सो लेट्स स्टार्ट। इस रेसिपी के लिए हमें लेना है इस तरह का बारीक लापसी। तो यूजुअली मार्केट में जो स्मॉल या मीडियम साइज की लापसी मिलती है, उसे हमें ग्राइंड कर बारीक कर लेना है। थिक बॉटम पैन में हमें 4 टेबलस्पून घी गरम कर लेना है। फिर उसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर और मिक्स ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर बादाम और किशमिश लिया है। आप काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है वह सब डालकर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक पीसी हुई लापसी। 2 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पे इस तरह से अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। अब हम साइड में चाशनी भी बना लेंगे। इसके लिए हमें लेना है 3 कप पानी और 1 कप गुड़। गुड़ ऐड करने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पे रखकर अच्छी तरह से गुड़ को घुलने देंगे। 2 मिनट तक रोस्ट करने के बाद अभी इन सभी इंग्रेडिएंट्स में से अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम 2 टीस्पून दूध को केसर में मिलाकर इसे इस चाशनी में ऐड करेंगे। केसर और दूध के इस मिक्सचर को हमें यहाँ इस चाशनी में ऐड करना है। अब हम इस रोस्टेड इंग्रेडिएंट्स को इस चाशनी में मिला लेंगे। ड्राई फ्रूट्स और केसर ऐड करने के वजह से यह स्वीट डिश बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट भी बनती है। अब हम मीडियम फ्लेम पर ढककर 10 मिनट तक पकने देंगे। 10 मिनट तक पकाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लापसी कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट पक चुकी है। अब हम इसे गैस पर से निकाल लेंगे। अब हमें इसे इस तरह के ग्रीस्ड प्लेट या ट्रे में इसे निकाल लेना है। और इस तरह से हम इस प्लेट में अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। और हम अभी इस पे डेसिकेटेड कोकोनट के साथ गार्निश करेंगे। और इस तरह से रोस्टेड आलमंड से सजा लेंगे। अब हम इसे बर्फी के पीसेस में कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर रेडी है बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक स्वीट डिश। सो फ्रेंड्स, इस हेल्दी, टेस्टी और इजी रेसिपी को आप घर पर जरूर ट्राई करना। आपके एक्सपीरियंसेस भी मेरे साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। Till then, eat healthy, be healthy, take care.